दो बिंदुओं के बीच चलने के लिए प्रकाश हमेशा उस रास्ते का चुनाव करता है जिस रास्ते को तय करने में उसे सबसे कम समय लगे। इस सिद्धांत को कहते हैं फर्मेट प्रिंसिपल, यानी फर्मेट का सिद्धांत। लाइट ट्रेवल्स बिटवीन द टू पॉइंट्स अलॉन्ग द पाथ फॉर विच द टाइम टेकन इज लीस्ट एज कंपेयर टू द अदर नियर बाई पाथ। इस प्रिंसिपल का यूज करके आज हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए, आप लोगों ने हाइगेंस की वेवलेट थ्योरी का तो पढ़ा ही होगा। हाइगेंस की सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी को इस्तेमाल करके भी हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को प्रूफ करते हैं। हम लोग फर्मेट के सिद्धांत को इस्तेमाल करेंगे और इसे प्रूफ करके दिखाएंगे। पहले समझिए, देखिए हमारे पास में दो पॉइंट्स ए और बी हैं और मान लीजिए कि पॉइंट ए से लाइट चल रही है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से लाइट चलना स्टार्ट करती है। अब लाइट को पॉइंट ए से बी तक जाना है तो इसके पास चलने के कई रास्ते हैं। लाइट ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। जब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन एक मिरर से होता है। हमने रिफ्लेक्शन के लॉज को प्रूफ करने के लिए ही यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं ये एक मिरर है M1, M2, ठीक है। पॉइंट ए से लाइट चलती है, लाइट मिरर पर गिरती है और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर पॉइंट बी तक पहुँचती है। मैं इसका एक पाथ बना देता हूँ। मान लीजिए कि लाइट ऐसे आई, मिरर के किसी पॉइंट एम पर गिर रही है लाइट, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई और रिफ्लेक्ट होकर के पॉइंट बी पर ऐसे रीच कर गई, ठीक है। मान लीजिए कि जो पॉइंट्स हमारे पास में ए और बी हैं, इनकी जो हाइट है इस हॉरिजॉन्टल मिरर से, मान लीजिए इनकी हाइट है ए एंड बी, ये इनकी हाइट है, ठीक है ना। एज्यूम कर लीजिए ये जो आप डिस्टेंस देख पा रहे हैं इसको आप मान सकते हैं ए ए डैश, इसको मान सकते हैं बी बी डैश। तो ये बी का प्रोजेक्शन है, ये ए का प्रोजेक्शन है। ये हाइट कितनी है ए, और दूसरे पॉइंट बी की हाइट कितनी है बी। जिस पॉइंट पर लाइट रे गिर रही है पॉइंट ए से चलने के बाद, मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल एक्स है। पॉइंट ए डैश और बी डैश जो कि फूट्स हैं, परपेंडिकुलर हैं एक तरीके से, इनके बीच की टोटल जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो कॉन्स्टेंट होगी। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कैपिटल डी है। बच्चों जरा आप मुझे बताइए कि पॉइंट एम से बी डैश तक की डिस्टेंस कितनी होगी। तो आप बोलेंगे ये डिस्टेंस हो जाएगी डी माइनस एक्स। देखिए ध्यान से, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या चीज है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि लाइट रे जो गिरी है, जो इंसिडेंस हुई है, वो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। इसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बना रही है, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। हमें प्रूफ करके बताना है कि ये एंगल आई और ये एंगल आर दोनों आपस में बराबर होंगे। जब भी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों बराबर होते हैं। कैसे, इसी को हम लोग समझने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द फर्मेट प्रिंसिपल। चलो उसको फटाफट प्रूफ करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर कैसे प्रूफ करोगे। लाइट पॉइंट ए से एम तक जा रही है, फिर एम से बी की तरफ जा रही है, तो लाइट ने कितना पाथ ट्रेवल किया, जरा फटाफट आप नोट कर डालें। पाथ ऑफ द लाइट, पाथ ऑफ लाइट। आप बोलेंगे कि लाइट ने जो पाथ ट्रेवल किया है वो ए से एम ट्रेवल किया है, प्लस यह है एम से बी ट्रेवल किया है। ये लाइट का पाथ है कि नहीं, लाइट का पाथ है। तो ए एम की वैल्यू को क्या आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ध्यान से, ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस स्मॉल ए है, यानी ए एम जो होगा ये बेसिकली अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होगा। इसी तरीके से आप क्या एम बी को भी फाइंड कर सकते हैं, जो लाइट ने पाथ ट्रेवल किया है रिफ्लेक्शन के बाद में। बिल्कुल, इसको भी आप निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा डी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लाइट का पाथ है। अब फर्मेट कहता है कि लाइट जिस रास्ते से जा रही है वो रास्ता सबसे कम समय में तय किया जाना चाहिए। यानी कि अगर मैं इस पाथ को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो। नाउ बाय द फर्मेट प्रिंसिपल, बाय फर्मेट प्रिंसिपल
पाथ शुड बी लीस्ट, सबसे कम पाथ होना चाहिए। और यहाँ पर जो पाथ है वो किसका फंक्शन है, वो x का फंक्शन है, यानी हम लोग लिखेंगे dl एल बाई डी एक्स मस्ट बी जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x पर l की वैल्यू डिपेंड कर रही है। जो पाथ है ना वो किसका फंक्शन है, वो x का फंक्शन है कि नहीं। अलग अलग x के लिए पाथ अलग अलग बनेगा, तो इसलिए हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको जीरो के इक्वल रखते हैं। जरा देखते हैं क्या मिलता है, आओ जरा देखें। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, आप बोलोगे इसका आंसर मिलेगा हमें 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन करें तो मिल जाएगा 2x और ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 0। छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसको जरा डिफरेंशिएट करें तो आपको मिलेगा 1/, ये रूट में है, 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ डी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करें, डी माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करें, इसका आंसर हो जाएगा -1, बाकी बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं, इक्वल 0। ध्यान से देखिए यहाँ से क्या मिला आपको, आप कह सकते हैं कि x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, जरा इसको देखें तो माइनस में लिखा हुआ है, ये यहाँ आपको मिल रहा है माइनस डी माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ डी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 0। आप बोल सकते हैं यहाँ से ये जो x अपॉन रूट में लिखा गया ये क्या चीज़ है, जरा देखो इस फिगर को गौर से, ये वैल्यू है x, तो क्या ये वैल्यू भी x होगी, बिल्कुल देखिए ना, इसको मैंने बढ़ाया है, मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया है, ये x है, ये x है, ये क्या है, ये वैल्यू है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जरा बताओ, जरा x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बनेगा, ये बन जाएगा साइन ऑफ आई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी आप इसको बोल सकते हो साइन आई, क्या बोलोगे आप, साइन आई, मैं आप लिख देता हूँ साइन ऑफ आई। और जरा देखो ये क्या लिखा है, माइनस डी बाई एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डी माइनस एक्स ये चीज है, वैसे ही जरा देखिए ये d माइनस एक्स, ये भी क्या बनेगा d माइनस एक्स, और ये क्या चीज़ है, ये इसका हाइपोटेनस है ना, d माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम बोलेंगे कि ये बेसिकली साइन r की वैल्यू है, यानी कि साइन i माइनस साइन r इक्वल्स 0, यानी हम लोग कह सकते हैं साइन i इक्वल्स साइन r या एंगल i इक्वल्स एंगल r। इस तरीके से हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर हैं, फर्मिट के प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमने इसे प्रूफ किया है। सिद्धांत क्या है, लाइट हमेशा उस रास्ते से चलने का प्रयास करता है जिस रास्ते को तय करने में उसे सबसे कम समय लगे, नोट कर लें।